ये कहेंगे, देखिए जी, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे जिले में आ रहे हैं तो हमारा भी अधिकार है कि उनसे मुलाकात की जाए, अपनी बात उनके समक्ष रखी जाए। लेकिन समझ में नहीं आता प्रशासन को ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है, जैसे ही हम लोग वहाँ जाने की बात करते हैं तो शासन प्रशासन को ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है जो हमारे लिए इतनी फोर्स लगानी पड़ जाती है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, शांतमय तरीके से रखते आ रहे हैं, आगे भी रखेंगे और आज भी रखने जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि पुलिस फोर्स द्वारा, प्रशासन द्वारा हमारे घर के बाहर पुलिस लगा देना, बैरिकेटिंग कर देना और रोक देना, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। तो किस विषय को लेकर आप मोदी जी से मिलना चाह रहे थे? मोदी से मिलने का हमारा जो मेन विषय है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब जो 1984 के दंगों के दौरान तोड़ दिया गया, उससे पहले गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था, उस पर आज की डेट में सरकारी कब्जा है। तो सरकारी कब्जे के विरोध में हम लोग 84 से लगभग सिख कौम जो है प्रदर्शन करती आ रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी एक साल विरोध करने के बाद सरकार को अपने बनाए काले कानून वापस लेने पड़े। ऐसे ही 2 साल विरोध करने के बाद देवस्थानम बोर्ड वापस हुआ, लेकिन इस सरकार को 1984 के बाद से विरोध करते हुए सिख कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इससे हमें ऐसा व्यतीत हो रहा है कि सरकार चाहती है, सरकार की ये मंशा है कि जैसा आंदोलन दिल्ली में हुआ है वैसा ही आंदोलन उत्तराखंड में भी हो। अगर सरकार ऐसा चाहती है तो हम इसके लिए भी तैयार है। समुदाय के लोग आज पीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे, तो किस तरह से आपकी बातचीत हुई है, क्या कहा आपने, समझाया इनको? अकाली दल मान के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह जी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञापन देने जा रहे थे, उनका ज्ञापन विधिवत अभी उच्च अधिकारियों के माध्यम से पहुंचा दिया जाए। इनको समझा दिया गया, ये लोग जा रहे थे? जी, समझा दिया गया कि हमारी बात से सहमत होगी, उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।